आदाब, नमस्कार। इस वीडियो के जरिए मैं कुछ ऐसी बातें आपसे करना चाहता हूं जो हिंदुस्तान से बाहर रहकर मैं महसूस कर रहा हूं, खास तौर से कोरोना वायरस के संबंध में जो भी हमारी बहस चल रही है राष्ट्रीय स्तर पर उसको लेकर। दिलचस्प बात यह है कि भारत शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर कि हमने कोरोना के जिम्मेदार समुदाय को ढूंढ लिया। दुनिया में किसी भी देश में अभी तक ये बात नहीं हो रही है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा कि ये चाइनीज वायरस है तो इसको लेकर अमेरिका में बहुत आलोचना हुई, लेकिन हम जैसे ही निजामुद्दीन मरकज की घटना हमारे सामने आई वैसे ही हमने ये तय कर लिया कि इसकी जिम्मेदार तबलीगी जमात है, इसके जिम्मेदार मुसलमान हैं। और कई लोगों ने तो ट्वीट करके ये भी कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए तो 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन मौलवी से बचने के लिए 5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस बात की तुलना में लग जाएं कि जो तबलीगी जमात ने किया उसका किसी मंदिर के साथ में, किसी चर्च के साथ में या किसी और धार्मिक समुदाय के साथ में क्या रिश्ता था। मैं इस तरह की किसी भी, जिसे कहा जाता है कि मजलूमों की कंपैरिजन या उनकी तुलना के साथ की जो राजनीति है उसमें मेरी कोई कतई तौर पे कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस चीज की तकलीफ है वो ये है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो उत्तर औपनिवेशिक काल यानी 1950 के बाद इतना विकसित हुआ, जहां पर कि हम सन 50 में, सन 60 में, 70 के दशक में हम ये बात कर रहे थे कि हमें साइंटिफिक टेंपर होना चाहिए, हमें चीजों को कॉन्स्पिरेसी के जरिए नहीं समझना चाहिए, हमें अपने विवेक से, अपने रीजन से, अपनी समझ से समझना चाहिए। वो हम कहीं छोड़ आए हैं। आज हम सांप्रदायिकता की उस स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां हमें हर चीज में सिर्फ हिंदू मुस्लिम देखना है। अगर ऐसा चलता रहा तो ये बीमारी केवल मानवता के संकट के साथ के तौर पे तो हम बिल्कुल देखना भूल ही जाएंगे, लेकिन अगर हमने ये तय कर लिया कि हम ये पता लगाएं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इससे लड़ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा इस बीमारी ने जिन नए सवालों को जन्म दिया है उन पर बात करना। ऐसे 2 सवाल मेरे मन में उठते हैं। एक सवाल है, वो है आर्थिक गैर बराबरी का। अमीर अमीर से अमीर हो रहे हैं और गरीब गरीब से गरीब। ये हिंदुओं में भी हो रहे हैं और मुसलमानों में भी हो रहे हैं। जो मुसलमानों के गरीब हैं वो तो मुसलमान सिर्फ मुसलमान होकर छूट जाते हैं, लेकिन जो हिंदुओं के गरीब हैं उन पर तो कोई बात ही नहीं होती है क्योंकि राष्ट्रवाद की सरकार है। सवाल ये है कि जो करोड़ों मजदूर इस समय अपनी सड़कों पर हैं, अपने काम छोड़कर अपनी जिंदगी जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनका क्या, उनके लिए हमारी जिम्मेदारी क्या? क्या हम उनको भी हिंदू मुस्लिम में बांटकर कोरोना से उपजने वाली समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं? एक सवाल तो है। दूसरा सवाल है आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था का। जिस आर्थिक व्यवस्था ने इस अमीरी गरीबी को पैदा किया है उसी को हम बरकरार रखकर जिस तरह से पैकेजेस की घोषणा कर रहे हैं, अभी पीएम केयर्स करके एक नया कोष बना दिया गया, कुछ और पैकेज और दिनों में आ जाएंगे, सवाल ये नहीं है। सवाल व्यवस्था का है कि आखिर क्यों इस व्यवस्था में, जिस जो कि अमीरों और गरीबों को पैदा कर रही है, क्या इस व्यवस्था में इस तरह के सवालों पर बात होनी चाहिए या हिंदू मुसलमान के सवाल पर बात होनी चाहिए? यही बात राजनीतिक व्यवस्था की भी है। क्या लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव है? अगर केवल चुनाव है और सरकार बनाना ही हमारे लोकतंत्र की बात है, तो फिर सरकार जिस नागरिकता का ढिंढोरा पीटती फिर रही है कि हम इनको देंगे, इनको नहीं देंगे वगैरह वगैरह, उसकी जिम्मेदारी नागरिकों के लिए क्या है? कोरोना वायरस ने इस जिम्मेदारी को हम सबके सामने रखा है और ये जरूरी है कि इस पर बात हो कि आर्थिक विषमताएं क्यों क्या हैं और राज्य की नागरिकों के प्रति, हिंदू और मुसलमान के लिए नहीं, नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी क्या है।